अस्सलामुअलैकुम टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइना श्याम्स। बदीन से नफीस मेमन की रिपोर्ट शामिल करते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर महबूब समरों ने बताया कि जजिस कॉलोनी की तरफ काफ़ी दिनों से पानी की सप्लाई बंद थी। जब खुदाई करने के बाद पाइप काटा गया तो अंदर से पुराने पेड़ों की जड़ों ने बाकायदा घर बनाया हुआ था, जिसके बायस पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जिसको खोद कर निकाला गया है और पाइप भी काट कर तब्दील किया गया है। महबूब सोमरो सब इंजीनियर ने बताया कि ये पाइप का हिस्सा ढूंढने में हमें 10 रोज लग गए, तब जाकर पॉइंट तक पहुंचे और अब पानी की सप्लाई जल्द बहाल कर दी जाएगी। कंदे 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 हिते बस आयो।